पिछले 2012 से 17 तक सरकार बनी थी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थे। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में तमाम काम किए, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन और महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था। उसी काम को हम आगे बढ़ाते हुए और विकास के मुद्दे को सामने रखते हुए हम 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुमत से सरकार बनने जा रही है मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। प्रदेश में एक बार फिर विकास का झंडा लहराएगा और उत्तर प्रदेश में विकास ही विकास नजर आएगा। विधानसभा में अभी तक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने नहीं घोषित किया है, क्या कोई नई रणनीति बनाई जा रही है? कोई भी रणनीति होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी रणनीति और कौशल के अनुसार काम कर रहे हैं। हम लोग कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य नहीं है, इसलिए उस विषय में कुछ नहीं बता सकते। राजेश तिवारी ब्राह्मण चेहरा था मासी का, बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसको आपके इस नजरिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिए, उनको चेहरा ढूंढे नान पर नहीं मिला, कहां से भारतीय जनता पार्टी के लोग ले आए? राजनीति में सब चला करता है, ब्राह्मण ही तो वहां लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी की तैयारियां कैसी, जबकि अब तो 27 फरवरी को चुनाव है ही है, तो अब आप लोग की तैयारियां कैसी? समाजवादी पार्टी का चुनाव अब गरीब लड़ रहा है, खेत और खलिहान में बैठे हुए लोग लड़ रहे हैं, वो नौजवान लड़ रहे हैं जिनको लाठियों से पीटा गया है, वो छात्र लड़ रहे हैं जिनके स्कूल बंद है और फीस वसूली जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या निर्देश दिया है? आप लोग की बैठक हुई थी अभी जल्दी, तो उनका क्या निर्देश है इस बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पूरे संगठन को मुस्तैद करके पूरी 7 सीट जीता करके लाई करने के लिए मौजूद है नानपारा की विधायक माधुरी वर्मा जी, आइए उनसे जानते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुई है तो उनकी तैयारियां कैसी हैं और 27 तारीख को यहाँ पे चुनाव होना है, तो इसको लेकर उनकी क्या राय है और यहाँ पे जनता का उनको सपोर्ट कैसा मिल रहा है? हमारी जनता बहुत अच्छी है, जनता जितनी पीड़ित है वो जनता पीड़ित वाली ऐसा परेशान हो रही है कि मेरी जनता हमको भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परेशानी तो गाय के लिए, हर जनता हमारी परेशान है कि जो है अपने ठंडक में हम सब लोग घर में पहुँचते, जिसका 2 बीघा खेत है वो तो खेत में फिर तो रात भर पूरा रात खेत में रहना पड़ता है, इसीलिए जनता तो